गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 रोवर एंड पेपर. अब तक हमने स्टोरी में देखा था कि रोवर वॉज वेरी नोटी बॉय एंड ही ऑलवेज पुल पेपर्स टेल. वो हर रोज पेपर की टेल को खींचता था. अब तक हमने ये स्टोरी में देखा था. नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट्स. वन डे अ फेरी सो रोवर पुलिंग पेपर्स टेल. एक दिन फेरी ने देखा कि रोवर जो था वो पेपर की टेल खींच रहा था. द फेरी वॉज वेरी एंग्री. फेरी उसके ऊपर गुस्सा होती है. सी वॉन्टेड टू पनिश रोवर. वो रोवर को पनिशमेंट करती है पर करना चाहती है. व्हेन रोवर वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज वेरी सरप्राइज. जब दूसरे दिन रोवर उठा तो वो सरप्राइज हो गया. ही सो दैट ही हैड ग्रोन अ लॉन्ग टेल. उसने देखा कि उसको एक टेल आ गई थी. ओह नो ही कॉल्ड आउट लाउडली टू हिज मम्मी एंड बिगन टू वीप. और उसने अपनी मम्मी को बुलाया और रोने लगा. व्हाट वॉज ही टू डू नाउ. अब उसको क्या करना चाहिए. व्हेन मम्मी सो द टेल सी न्यू दैट रोवर हैड बीन पनिश्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर. जब मम्मी ने देखा रोवर की टेल तो उसको समझ आ गया कि रोवर को उसके बैड बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिली है. डिड यू ट्रबल पेपर सी आस रोवर. रोवर को उसने पूछा कि तुमने पेपर को परेशान किया था. रोवर डिड नॉट नो वॉट टू से. रोवर को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए. ही यूज टू बोधर एवरीबडी. मम्मी पुल्ड रोवर्स टेल. मम्मी ने रोवर की टेल को खींचने की कोशिश की. ही क्राइड आउट इन पेन. पर वो रोने लगा. मम्मी इट्स हर्ट्स प्लीज डोंट पुल माई टेल. और रोते रोते बोला कि मम्मी इस तरह ना खींचो मुझे दर्द होता है. मम्मी पिक अप रोवर इन हर आर्म्स एंड सेड डू यू अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इट इज फॉर पुअर पेपर वेन यू पुल इट्स टेल. अब तुम्हें समझ में आया कि जब तुम पेपर बेचारे पेपर की टेल को खींचते हो तो उसे कितना दर्द होता होगा. रोवर हैड टीयर्स इन हिज आई. अब रोवर रोने लगा. ही नोडेड हिज हेड एंड सेड आई विल नॉट टच पेपर आई लव हिम. उसने बोला कि मैं अब से पेपर को परेशान नहीं करूंगा. मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ. बट मम्मी आई डोंट लाइक द टेल. पर मुझे ये टेल नहीं चाहिए. मम्मी किस लिटल रोवर. Now you have understand that we should be kind to others. मम्मी ने उसको समझाया कि अब तुम्हें पता चला कि हमें दूसरों के प्रति kind behave करना चाहिए. You are sorry for being rude and unkind. तुम्हें अपनी गलती के लिए पछतावा होना चाहिए. Your tail will be gone when you wake up tomorrow morning. तुम्हारी जो tail है वो कल सुबह चली जाएंगी. Rover was very happy the next morning. Rover दूसरे दिन खुश था. He jumped up from his bed. वो अपने बेड पे से उठा. His tail was gone. उसकी टेल चली गई थी. He ran to hug paper over. और वो सीधा दौड़ा और जो डॉग था पेपर उसको हग कर लिया. तो स्टूडेंट इन दिस स्टोरी में से हमें क्या सीखने को मिला कि वी शुड केयर फुर टू अवर पेट एनिमल्स. हमें अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके प्रति केयरफुल रहना चाहिए. उनको टीज नहीं करना चाहिए. उनको भी हमारी तरह हर्ट होता है. Okay, everyone, thank you.